अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे अंडे का सालन, बहुत ही जल्दी बनेगा, वो भी प्रेशर कुकर में। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, मेहनत नहीं लगेगी। देखिए आप, जल्दी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए हम अंडा बॉयल ले चुके हैं, पहले से करके रखे थे। ये देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, हम इसमें अंडे में कट लगा रहे हैं, हम लंबा लंबा कट लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं हम सारे अंडे में कट लगाएंगे, क्योंकि ये फ्राई करने में हमको ना दिक्कत ना हो, क्योंकि कट नहीं लगता ना तो फिर ये छटकता है अंडा। ये तो आप ज़रूर किया करिए, अंडे में कट लगाना, ठीक है। और इस वीडियो को ना देखा करिए, तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब किया करिए, नए चैनल पे हैं तो फिर लाइक इसको ज़रूर किया करिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, इसको कमेंट्स किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब फ्राई करना। ये देखिए पैन हम लिए, पैन में थोड़ा सा तेल डाले। ये देख रहे हैं जैसे ये तेल हमारा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म होगा। ये देखिए हम अंडा इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ा छटक रहा है, थोड़ा आराम से आप लोग करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा छटकेगा, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी हमारी हल्दी जाएगी, हल्दी तो आप डालते होंगे, नहीं डालते तो ऐसे डालने लगे। ये देखिए क्योंकि ये फ्राई में करते वक्त ना बहुत ही अच्छा कलर देता है अंडे में। ये देखिए फिर हमारी जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च। ये देखिए हल्के से, ये देखिए हमारा अंडा, ये देखिए फ्राई हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे कहने पे, फिर आप इसी को बनाएंगे बार बार। ये देखिए हमारा फ्राई हो गया, ये देखिए हमारा हो रहा है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए इसमें हम और क्या ऐड करते हैं, ये पानी, पानी हमने क्यों डाला है, ये जो मसाला था ना मेरा, तो ये अंडे में ना कोटिंग बहुत ही अच्छी कवर कर लेगा, बहुत ही ज़बरदस्त अंडा को मसाला एकदम चिपक जाएगा। ये देखिए हम लास्ट में नमक डाले हैं, नमक डाल के ऐसे चला देते हैं, ये हो जाएगा। ये देखिए हमारा हो गया, चूल्हा बंद कर देंगे हम, फिर कुकर चढ़ाएँ, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं अंडा। ये देखिए हमारे एक कलछुली तेल में हम पूरा अंडा बनाएंगे, पूरे अंडे की ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए इसमें हम तीन सूखी लाल मिर्च लिए हैं ये डालने के लिए, ये डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें जीरा गया एक टीस्पून, देखिए फिर दालचीनी गई है थोड़ी से, तेज़पत्ता गया है दो, फिर इसमें हम लहसुन काट के रखे थे छील के, बस ऐसे ही खड़ा खड़ा आप डाल दीजिए। ये देखिए हरी मिर्च गई है हमारी, थोड़ा सा इसको डाल के भून लीजिए लहसुन को। फिर हमारा प्याज गई हमारी, क्योंकि हम बस ऐसे ही रफली काट लिए थे, ऐसे बड़े बड़े पीस हैं, आप ऐसे ही काट सकते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करना है हमको, इसलिए जल्दी करना है। ये देखिए हमारा टमाटर जाएगा एक इसमें, और इसको थोड़ा सा भून के, ये देखिए थोड़ा सा आपको लाल नहीं करनी है प्याज, इसमें लाल मिर्च जाएगी, ये हमारा धनिया पाउडर जाएगा दो चम्मच। फिर ये क्या है, चिकन मसाला। ये चिकन मसाला डालने से ना इस ग्रेवी में जो देता है ना ज़बरदस्त देता है टेस्ट। देखिए इसको चला के हम डाल देते हैं, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखिए ये हो गया है, फिर इसको हम पानी डाल के ना प्रेशर लगा देंगे, 3 से 4 प्रेशर आएगा, क्योंकि तब ये प्याज हमारी गल जाएगी अच्छे से, क्योंकि हम जल। ये देखिए ये देख रहे हैं ना मसाला आप, ये देखिए प्रेशर बना, ये देखिए कम मेहनत में इतनी जल्दी इतना ज़बरदस्त तो ग्रेवी तैयार होती है अंडे की, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए इसको थोड़ा सा हमें भूनना है, बीच बीच में चलाते रहिएगा थोड़ा, जब तक तेल ना छोड़ दे अच्छे से। देखिए
क्योंकि हम चाहते भी हैं जल्दी खाना बने और टेस्टी रहे। तो ये देखिए, इसके लिए ये रेसिपी लेकर आए हम आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप जिस तरीके से हम बनाए हैं उस तरीके से आप भी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी अंडे का सालन उतरेगा। ये देखिए, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम स्टार्टिंग में नहीं डाले थे क्योंकि हम बाद में डाले नमक। देखिए मसाला का कलर देख रहे हैं ना, कितना ज़बरदस्त है यार। इसको हम थोड़ा भूनेंगे बीच बीच में क्योंकि पकड़ना ले नीचे। ये देखिए हमारा मसाला जैसे भून चुका है, ये देख रहे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे जो अंडा हम फ्राई किए थे ना मसाले के साथ, वो डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये सारा अंडा जाएगा इसमें। और वो पैन का जो मसाला है ना, वो हम फेंकेंगे नहीं, वो पानी में लग करके थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमें ग्रेवी में थोड़ा पानी की ज़रूरत है, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम डाल के अच्छे से इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे। क्या डालेंगे? कसूरी मेथी डालेंगे। ये देखिए आप, जैसे हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। इससे कसूरी मेथी डालने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए, वाकई यकीन नहीं करेंगे ना, बहुत ही जल्दी बनती है रेसिपी ये। देखिए, फिर इसको हम कवर करके ना 5 मिनट के लिए रख देंगे धीरे आंच में, क्योंकि अंडे तक ही पूरा अच्छे से पहुंच जाए। ये देखिए, मेरा 5 मिनट हो चुका है। ये देख रहे हैं जैसे वीडियो में कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। कि आप ज़रूर ट्राई करिए घर पे, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।